हेलो गाइज, वेलकम टू सॉफ्टवेयर होप चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने किसी भी ब्लॉग पोस्ट को ग्रिड वाइज कैसे शो कर सकते हैं अपने पोस्ट और पेज में। मेरे बहुत सारे यूजर जो कमेंट कर रहे हैं कि सर आपकी वेबसाइट की तरह हमें भी अपने वेबसाइट पे ग्रिड वाइज शो कराना है, तो आप किस तरह से कर रहे हैं। चलो फिर आपको मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि आप किस तरह से पोस्ट को ग्रिड वाइज सेट कर सकते हो। देखिए, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से वो शो होगा। ये देखिए मेरा सारे पोस्ट्स हैं जो कि ग्रिड वाइज शो हो रहे हैं, और मैंने यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर रिव्यू पे भी मैंने ग्रिड वाइज शो किया है। यहाँ पे दो का अरेंजमेंट में ग्रिड शो हो रहा है, तो ये किस तरह से होता है वो चलो हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने वेबसाइट पे डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस ट्यूटोरियल में क्या क्या कवर करने वाला हूँ। तो पहला तो हाउ टू लुक लाइक पोस्ट मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद कौन सा प्लगइन आप यूज करेंगे और कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे वो मैं बताऊँगा। आप इसको कैसे यूज करेंगे और सेटिंग क्या है, कैसे कैसे सेटिंग करने हैं वो पूरे तरह से देखेंगे। तो चलो फिर हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे जाते हैं। देखिए, मैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पर सिंपली चले जाएंगे आप प्लगइन सेक्शन में और यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे। कंटेंट व्यूअर सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे पहला ही प्लगइन है जो कंटेंट व्यूअर के द्वारा बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करके रखा है क्योंकि मैं इसको यूज करता हूँ। अभी मैं चला जाता हूँ सिंपली कंटेंट व्यूअर में। यहाँ पे देखिए कंटेंट व्यूअर का एक ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे ऑल व्यूज पे जाएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ग्रिड्स सेट करके रखे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे 2 का ग्रिड्स है, उसके बाद इसके होम पेज पे 3 का ग्रिड्स है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे ऐसे बना के रखे हैं। एक कैटेगरी वाइज मैंने ये बना के रखे हैं क्योंकि बहुत सारे जगहों पे, जैसे कि मैं अभी किसी पोस्ट में जाता हूँ, रिलेटेड कंटेंट अगर आपके वेबसाइट पे नहीं शो हो रहा है तो आप इसको भी बना के आप डाल सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ, अगर सपोज कि आपके ब्लॉग पे रिलेटेड पोस्ट का ऑप्शन नहीं है तो ऐसा आप बना के आप अपने वेबसाइट पे डाल सकते हैं कि हर पोस्ट उससे रिलेटेड आप कैटेगरी बनाइए, और कैटेगरी बनाने के बाद आप यहाँ पे उस कैटेगरी को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जो भी पोस्ट है उससे रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे दिखते रहेंगे। विजिटर क्या करेगा, विजिटर को अगर ये पोस्ट रीड करने के बाद वो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद उसको उससे रिलेटेड कंटेंट मिला तो वो उस पर क्लिक करके वो उस दूसरे वाले पोस्ट पे भी जा सकता है। सबसे पहले आपको पोस्ट में कैटेगरीज बनाने पड़ेंगे। यहाँ से कैटेगरीज बनाने के लिए जैसे कि जो भी रिलेटेड कंटेंट है उस कैटेगरी में आने चाहिए। जैसे कि मेरा प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर है तो प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर के जितने भी पोस्ट रहेंगे तो इसके अंदर आने चाहिए। तो इस तरह से आप बना के रखिए। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आप जाके देख सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे कैटेगरी बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट कैटेगरी। चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, और उसके साथ साथ मैं बताता हूँ इसको कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अगर कंटेंट व्यूअर में जाएंगे तो यहाँ पे एक शॉर्ट कोड जनरेट होता है जो कि हमको अपने ब्लॉग पोस्ट में पेस्ट करना पड़ता है। और जहाँ पे भी आप पेस्ट करेंगे तो वो कैटेगरी और उस ग्रिड स्टाइल में पोस्ट दिखने लगेगा। ठीक है, अभी आपको मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। बहुत सारे PDF सॉफ्टवेयर के मैंने ब्लॉग पोस्ट बनाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये पोस्ट कहीं पे सेपरेटली दिखे, तो उसको किस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ PDF। एक क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये इन फ्यूचर मुझे पता होना चाहिए कि ये जो मैंने शॉर्ट कोड जनरेट किया है वो किस चीज़ के लिए बनाया है और कहाँ के लिए बनाया है। ये जो मैं शॉर्ट कोड बना रहा हूँ वो मैं PDF सॉफ्टवेयर के लिए बना रहा हूँ, और ये मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा ब्लॉग के होम पेज पे दिखे। ठीक है, तो होम पेज पे कहाँ पे लगाना वो हमारे ऊपर है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि शॉर्ट कोड को जनरेट कैसे करना है। यहाँ पे देखिए पोस्ट है, पेज है, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सपोज कि आप पेजेस का कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो आप पेजेस का भी बना सकते हैं। नॉर्मली हम लोग ब्लॉग पोस्ट का बनाते हैं तो हम लोग अभी पोस्ट का सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले फिल्टर सेटिंग में ही रहेंगे, डिस्प्ले सेटिंग हम बाद में देखेंगे। तो फिल्टर हम कैसे किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी और टैग वाइज आप फिल्टर कर सकते हैं, कीवर्ड वाइज फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट बाय कर सकते हैं, ऑथर बाय कर सकते हैं। अगर ऑथर बाय करेंगे तो देखिए यहाँ पे जितने भी ऑथर रहेंगे आपको सब दिख जाएंगे, जैसे कि देवेंद्रा और शुभम दो जन है तो यहाँ पे दो जन का दिख रहा है। अगर मैंने देवेंद्रा का पोस्ट का किया और यहाँ पे अपडेट व्यू कर दिया तो आप देखेंगे तो जितने भी देवेंद्रा ने पोस्ट बनाया वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। और सपोज कि यहाँ पे इसको
शुभम कर देता हूँ और शुभम ने कितने पोस्ट बनाए हैं यहाँ पे, जीरो। सपोज कि आपके वेबसाइट पे बहुत सारे गेस्ट पोस्टिंग भी होते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके जो ऑथर हैं उनके सभी ऑथर के सारे पोस्ट अलग अलग हो, तो उस तरह से आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज कि यहाँ पे सॉर्ट बाय करेंगे तो सॉर्ट बाय भी कर सकते हैं, जैसे कि आईडी, टाइटल, अपडेट डेट या मॉडिफाइड डेट या पब्लिश डेट, जो भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अपडेट रिव्यू करेंगे, देखिए जो भी मेरा पोस्ट पहले पब्लिश हुआ है वो पहले ही दिख रहा है और जो लेटेस्ट है वो नीचे जा रहा है। अगर आप ये डिसेंडिंग कर देंगे तो ये पोस्ट मेरा ऊपर दिखेगा, जो हमारा लेटेस्ट पोस्ट है वो ऊपर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं कितने पोस्ट दिखने चाहिए, जैसे कि अगर मेरे को 20 पोस्ट दिखाना है, 50 पोस्ट दिखाना है, तो यहाँ पे आप जो भी डालेंगे वो उस हिसाब से दिखेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैटेगरी वाइज कैसे कर सकते हैं। कैटेगरी में यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा कैटेगरी का आप करना चाहते हैं। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं पीडीएफ, ये देखिए पीडीएफ सॉफ्टवेयर आ गया। यहाँ पे अपडेट रिव्यू करेंगे, जितने भी पीडीएफ से रिलेटेड कंटेंट है यहाँ पे देखिए मेरा आ चुका है। आप कीवर्ड वाइज भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे पोस्ट देखेंगे तो हमारा जो डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है, जो भी हमारा पोस्ट पहले हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है और जो पहले बाद में हुआ था वो पीछे की तरफ दिख रहा है। आप चेंज करना चाहते हैं उसको तो आप यहाँ पे सॉर्ट बाय कर सकते हैं, यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिसेंडिंग में करेंगे तो ये पोस्ट ऐसा दिख रहा है और सपोज असेंडिंग करेंगे तो हमारा जो पेज है वो नीचे हो जाएगा, मतलब जो पहले पब्लिश हुआ है वो लेटेस्ट में दिखेगा और अभी का पोस्ट वो नीचे चला गया। और कितने पोस्ट चाहिए आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी फिलहाल तो यहाँ पे 10 ही रखता हूँ। और इतना होने के बाद आप यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग में आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि ये किस तरह से दिखना चाहिए, जैसे कि आप ग्रिड वाइज दिखाना चाहते हो तो आप ग्रिड वाइज दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रिड वाइज दिखा रहा हूँ। सपोज कि मैं यहाँ पे कोलैप्सिबल लिस्ट दिखाता हूँ तो देखिए कैसे दिखेगा। यहाँ पे अपडेट रिव्यू करेंगे, ये देखिए एक कोलैप्सिबल स्टाइल में यहाँ पे दिख रहा है अभी, मतलब ये पोस्ट जब तक इस पर कोई क्लिक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं। या फिर स्क्रॉलेबल लिस्ट दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ स्क्रॉलेबल। स्क्रॉलेबल लिस्ट में क्या है यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए स्क्रॉल होगा यहाँ पे, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से स्क्रॉल होगा, ठीक है। जितने भी पोस्ट है स्क्रॉलेबल लिस्ट में। हम अभी ग्रिड वाला देखेंगे, यहाँ पे ग्रिड पे सेट कर देता हूँ। अब ग्रिड में यहाँ पे अपडेट करेंगे इसको, यहाँ पे दो ग्रिड दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने आइटम पर रो दो सेलेक्ट करके रखा है। सपोज कि मैं यहाँ पे तीन कर देता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे तीन करने के बाद यहाँ पे अपडेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी तीन का ये शो हो रहा है। अगर आप चार करेंगे तो यहाँ पे चार भी शो होगा, ठीक है। आप जितना भी सेट करना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं, नॉर्मली तीन इनफ हो जाता है क्योंकि उससे ज़्यादा डालेंगे तो आप हमारा जो थंबनेल होता है ये बहुत छोटा छोटा दिखेगा, जो कि थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। लोगों को क्लिकेबल टाइप का रहना चाहिए पोस्ट, इसके लिए हम यहाँ पे थ्री ही रखेंगे इसको। आप इसको यहाँ पे तीन ही सेट करेंगे, सेम अपडेट प्रीव्यू। उसके बाद 100 थंबनेल और टेक्सचर वर्टिकल। अभी फॉर्मेट कैसा होना चाहिए 100 होने का वो देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज के 100 थंबनेल ऑन लेफ्ट और राइट टेक्स्ट, तो आप यहाँ पे लेफ्ट और राइट सेट कर सकते हैं। आपको क्या क्या दिखना चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं अपडेट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे हमारा इमेज हो गया, उसके बाद राइट में सारे हमारे लेफ्ट में चले गए, थंबनेल पोजीशन लेफ्ट में गया और कंटेंट राइट में चला गया। और यहाँ पे आप टाइटल को रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखो टाइटल रिमूव हो गया। सपोज कि अगर हमको 100 कंटेंट नहीं करना है तो वो टाइटल रखना है, ये देखिए ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप 100 मेटा टैग और कंटेंट, जो भी हमारा डेट का पब्लिश हुआ वो सब भी रख सकते हैं पब्लिश, ये देखिए डेट, यहाँ पे मेटा टैग आ गया और कैटेगरीज भी आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी हम इसको नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 100 थंबनेल विद टेक्सचर वर्टिकल दिखाएंगे तो हमारा किस तरह से शो होगा, ठीक है। यहाँ पे 100 थंबनेल टेक्सचर वर्टिकल और वापस से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा ये दिख रहा है, देखिए यहाँ पे रीड मोर पे भी यहाँ पे बटन भी आ गया, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं आगे, यहाँ पे जो टाइटल है हमारा कौन से हेडिंग में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे H4 मेंशन किया, आप H2 H3 भी रख सकते हैं, जो भी आपके थीम में सेटिंग है इसका H2 H3, तो उस तरह से ये शो होगा। जैसे कि मेरा H2 H3 शो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं अगर इसको H3 रखता हूँ तो किस तरह शो होगा, देखिए H2 में थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा,
यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं HTML टैग को, ठीक है। और जो हमारा थंबनेल साइज होगा कितना होना चाहिए आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमारा थंबनेल काफ़ी बड़ा हो गया। अगर आप यहाँ पे 300x300 रखेंगे तो थोड़ा सा छोटा है, देखिए यहाँ पे छोटा है। अगर 100 फुल कंटेंट, आप पूरे कंटेंट को फुल भी शो करा सकते हैं यहाँ पे। अगर 100 फुल कंटेंट करेंगे यहाँ पे, देखिए ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, डायरेक्टली वो पेज में दिखेगा, ये पूरा कंटेंट यहाँ पे फुल दिखेगा। तो इस तरह से भी आप शो करा सकते हैं यहाँ पे। सपोज कि आपको किसी चीज का कंपेरिजन करना है और आपको उसी हिसाब से आपको पोस्ट लिखना पड़ेगा 3, और यहाँ पे आप कंपेरिजन भी ऐसा इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं फुल नहीं ये दिखा देते हैं। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होने चाहिए यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज मेरे को 50 चाहिए तो मैं यहाँ पे 50 करता हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कंटेंट का जो 50 वर्ड्स है वो आ चुका है। यहाँ पे 20 कर देता हूँ, बेटर दिखता है। अभी लास्ट है ओपन आइटम। अदर में क्या देखिए, ओपन आइटम है करंट और न्यू। इसका मतलब ये है कि जब भी ये पोस्ट पे कोई क्लिक करेगा तो एज ए न्यू टैब में ओपन होना चाहिए या फिर जो सेम पेज है उसी में ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप न्यू कर सकते हो, न्यू टैब। तो कोई भी पोस्ट पे क्लिक करेगा तो हमारा न्यू टैब खुलेगा, और अदरवाइज ये करंट टैब रखेंगे तो आप सेम पेज पे ही सेम टैब में ही ओपन हो जाएगा। अभी सपोज कि यहाँ पे करंट टैब नहीं रखेंगे, यहाँ पे न्यू टैब दें। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये हो गया। अभी यहाँ पे सिंपली हमको सेव करना है। सेव होने के बाद हम चले जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे, और एक मैं ऐसे साइड में रखता हूँ। सपोज कि ये मुझे किसी पेज पे शो कराना है, ये जो ग्रिड अभी हम लोगों ने बनाया, तो हम किसी पेज को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी कौन से पे दिखाएं, यहाँ पे दिखा देते हैं, सॉफ्टवेयर रिव्यू में दिखा देते हैं। यहाँ पे हम एडिट करेंगे इसको, एडिट विद एलिमेंटर में कर रहा हूँ। आपके पास जो भी बिल्डर है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ PDF सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहाँ पे सिंपली एक विजिट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपली ऐड करेंगे। ऐड में हम क्या रखेंगे, यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे शॉर्ट कोड। ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट कोड आ गए। शॉर्ट कोड को सिंपली यहाँ पे ड्रैग करके डाल देंगे। ठीक है, हमारा एक शॉर्ट कोड यहाँ पे जनरेट हो गया है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जो हमने इसको बनाया है, प्रीव्यू में दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से वो शो होगा। तो हमको ये जो शॉर्ट कोड है हमारा, ये कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। ये देखिए PDF में हमारा ये आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आप मूवीज वेबसाइट भी बना सकते हैं, और इसको इस तरह से सारे PDF एक जगह, PDF सॉफ्टवेयर या फिर सारे कंटेंट जो भी है उससे रिलेटेड एक जगह पे लाना है, तो आपको कैटेगरीज बनाने ही पड़ेंगे। और कैटेगरी कैसे बनाते हैं ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं, मेरे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस कैसा लगा वीडियो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हैप्पी दिवाली, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Now and press the bell icon.